एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। रामनवमी के दिन मंदिर में कुछ श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोगों को बाहर निकाला गया है। इंदौर में ये हादसा बावड़ी में गिरने से हुआ है। मंदिर के पास एक पुरानी बावड़ी बनी हुई थी, उसके ऊपर लोहे की जाली पर स्लैब डालकर निर्माण कराया गया था। ये हादसा इंदौर में श्रीनगर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुआ है। रामनवमी पर श्रद्धालु जुटे हुए थे, बावड़ी की छत धस गई, जिसकी वजह से श्रद्धालु अंदर गिर गए। मंदिर परिसर में बावड़ी के ऊपर छत का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि श्रद्धालु हवन करने के लिए वहां पहुंचे थे, तभी ज्यादा वजन होने के कारण छत धस गई। सभी लोग उस बावड़ी के अंदर समा गए, चीख पुकार बचने लगी, आसपास के लोग वहां पहुंचे, पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। एक एक करके अंदर गिरे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बड़ा हादसा है। इंदौर बावड़ी में 19 लोगों को निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि 9 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। ये हादसा बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के पास एक पुरानी बावड़ी में हुआ है। आपको बता दें कि ये 40 फीट गहरी बावड़ी बताई जा रही है। टीन शेड से इस पर एक कमरा बनाया गया था। बावड़ी के ऊपर ही रामनवमी के अवसर पर हवन कराया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। ज्यादा लोगों के वजन से ये बावड़ी भड़बड़ा कर गिर पड़ी और उसमें सभी लोग समा गए। बावड़ी में गिरे लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। रेस्क्यू टीम पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। सबसे पहले इसमें से 4 लोगों को निकाला गया, उसके बाद एक बच्ची को बाहर निकाला गया। इसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिला। जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो लोगों ने स्वागत में तालियां बजाई। उसके बाद जब एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है तो लोग स्वागत में तालियां बजा रहे हैं। जो लोग सकुशल बाहर आ रहे हैं, लोग उनका तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस हादसे में 9 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से लोगों की मौत हुई है। इसमें 4 महिलाएं हैं, एक पुरुष। 40 फीट गहरी बावड़ी में करीब 25 लोग गिरे। पुलिस ने रस्सियों से 18-19 लोगों को बाहर निकाल लिया है। इसमें 2 बच्चियां हैं, 7 महिलाएं हैं, 1.5 और 11 साल के बच्चे भी हैं। लोग फंसे हुए हैं। आशंका है कि बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी भी था और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सपना संगीता रोड स्थित स्नेह नगर में हवन के दौरान यह हादसा हुआ है। लोग बावड़ी की छत पर बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पे संवेदनाएं जताई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फोन पर सारे हालात की जानकारी ले रहे हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इंदौर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और घटना के बाद से लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में था और बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेहतर चले और हम कैसे लोगों को बचा पाएं। इस अभियान में पूरी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। 19 लोगों को हम लोग निकाल पाए, लेकिन उनमें से भी एक बहुत सीरियस था, जिसकी हालत खराब थी। 18 लोग सुरक्षित हैं। यही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और इंदौर में हुए हादसे से उन्होंने बताया है कि वे बेहद आहत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और परिवार को ढांढस बंधाया है। इंदौर के जिला प्रशासन से, वहाँ के कलेक्टर और अधिकारियों से बातचीत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में रह करके भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक तो इमीडिएट प्रारंभ हो गया और उसके कारण से प्रशासन भी सक्रियता के साथ गंभीरता से लगा, तो इसलिए भगवान न करे कोई कैजुअलिटी हो, सभी लोग सुरक्षित पाए। रामनवमी के दिन बावड़ी की छत पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे। भीड़ का वजन वो छत नहीं झेल पाई और आखिरकार बावड़ी में वो सभी समा गए जो उस पे खड़े हुए थे। उसमें कई महिलाएं, बच्चे व पुरुष थे।
हवन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, वहां बैठे हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी संवेदना जताई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सभी को ढांढस बंधाया है। मंदिर परिसर में लगातार निर्माण और खुदाई का काम चल रहा है। आशंका है कि ये हादसा भी उसी वजह से हुआ है। कुछ रहवासियों ने चूहों के कारण भी कुआं खोखला होने की बात कही। मुख्यमंत्री रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। घटना स्थल पर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और MY अस्पताल की मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर से फोन पर चर्चा की है। उन्होंने रेस्क्यू तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आया है। बड़ी खबर है, इंदौर में बावड़ी पर हवन चल रहा था। रामनवमी का दिन था, बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। सभी श्रद्धालु बावड़ी पर ही हवन चल रहा था, वहां एकत्रित थे और इतना वजन वो बावड़ी की छत झेल नहीं पाई और आखिरकार वहां हादसा हुआ, छत टूट गई, सभी भक्त उसमें समा गए। आपको बता दें कि अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। सुरक्षित लगभग 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।